हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास सिक्स का मैथ सम कर रहे हैं और चैप्टर है बच्चों आपका डेसिमल्स। तो उसी चैप्टर का रिवीजन हम कर रहे हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो चलें क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था ये, उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो आपने किया होगा। तो जिस भी बच्चे ने ये होमवर्क में पार्ट बी सी डी ई चार पार्ट मैंने दिए थे, इनमें से कोई भी पार्ट कर लिए हों तो जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। अगर नहीं भी किए हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे फटाफट कर लीजिए और जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे ताकि मैं आंसर पूछ सकूं आपसे। ठीक है, आंसर आते ही हैंड रेज करेंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको, बाकी के पार्ट्स हम करेंगे। ठीक है, एक और पार्ट बताता हूं मैं, तो शायद आपको समझ में आ जाए ये चीज। देखिए बी पार्ट करते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए, यहां से शुरू कर लेते हैं इस तरफ से ना, हंड्रेड्स। जो हंड्रेड्स प्लेस पे है क्या है, वन है, तो वन इंटू हंड्रेड आप कर देंगे यहाँ पे। फिर टेंस प्लेस पे जीरो है तो जीरो इंटू टेन, प्लस वंस प्लेस पे टू है तो क्या आ जाएगा, टू इंटू वन। ठीक है, प्लस टेंथ प्लेस पे सिक्स है तो क्या हो जाएगा, ये सिक्स बाय टेन। फिर हंड्रेड प्लेस पे है थ्री तो थ्री बाय हंड्रेड, एंड प्लस जीरो बाय थाउजेंड, है ना, क्योंकि यहां पे जीरो है। क्लियर है? अब देखिए एक इंटू सौ कितना हो जाता है, सौ प्लस जीरो प्लस दो प्लस जीरो दशमलव छह और प्लस जीरो दशमलव जीरो तीन, और ये जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिख सकते हैं वन जीरो टू पॉइंट सिक्स थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहां से अगर डायरेक्ट देखेंगे तो भी आप लिख सकते हैं। देखिए वंस प्लेस पे क्या है, टू है, टू लिख देंगे। टेंस प्लेस पे जीरो है तो सीधा जीरो लिखेंगे। हंड्रेड्स प्लेस पे वन है तो सीधा वन लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए डेसिमल के बाद वाला जो टेंथ होता है। ठीक है, तो डेसिमल लगा देंगे। टेंथ प्लेस पे क्या है, सिक्स है, और हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है, थ्री है, तो वन जीरो टू थ्री, वन जीरो टू दशमलव छह तीन, ये आ गया आपका आंसर। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब नोट डाउन कर लीजिए और अब बताइए पार्ट सी डी और ई क्या हो सकता है आंसर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके सामने, पार्ट सी है। क्या बोला है इसमें, देखिए पार्ट सी को देखेंगे भाई। हंड्रेड प्लेस पे क्या है, जीरो है, जीरो इंटू हंड्रेड कर देंगे। प्लस टेंस प्लेस पे थ्री है तो थ्री इंटू टेन, प्लस जीरो इंटू वन, प्लस जीरो बाय टेन, प्लस टू बाय हंड्रेड, प्लस फाइव बाय थाउजेंड। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ खास नहीं करना है। जहां पे जैसे मुझे फाइव है, यहां पे क्या दिख रहा, वन बाय थाउजेंड है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस फाइव को। यहाँ पे टू है तो टू को वन बाय हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जीरो है तो जीरो को वन बाय टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तीन है तो तीन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस तरह से आप सबको ऐड कर दीजिए,
अब ये जीरो आ गया, प्लस 30 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 0.02, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो जीरो है इसीलिए दशमलव कहां लगेगा, दो अंक छोड़ के, है ना, लेफ्ट में लगेगा, प्लस 0.0005। यहाँ पे तीन जीरो है डिनोमिनेटर में इसीलिए तीन अंक छोड़ के लेफ्ट की तरफ डेसिमल लगेगा। अब सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3 0 3 0, फिर उसके बाद पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया, फिर 0.25, ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। तो ये पार्ट डी हो जाएगा। पार्ट डी देखिए, यहाँ पे 2 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 1 × 1 प्लस 9/10 प्लस 0/100 प्लस 2/1000, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 200 आ जाएगा, प्लस 10 प्लस 1 प्लस 0.9 प्लस 0 प्लस 0.002, ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, जोड़ के देखिए 2 1 1 211.902, ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इनको। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। अब देखिए पार्ट ई यहां पे है, कौन कौन बच्चा डायरेक्ट इसको लिख सकता है, तो देखिए अगर मैं, ठीक है, वंस से स्टार्ट करता हूं, वंस पे दो है, टेंस पे वन है, हंड्रेड्स पे जीरो है, तो उसको रहने देंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे और टेंथ पे क्या है, टू है, हंड्रेड्स पे फोर है एंड थाउजेंड्स पे वन है, बस डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट डाउन करेंगे सब। राइट द फॉलोइंग, डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो बेसिकली यहां पे बोला जा रहा है कि नीचे कुछ आपको डेसिमल्स दिए हैं, उनको स्थानीय मान श्रेणी में लिखना है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर्स देखिए, 0.2, 2.08, 48.32, 200.812, तो ये हैं आपके कुछ डेसिमल नंबर्स जिनको स्थानीय मान श्रेणी में लिखना है। स्थानीय मान श्रेणी क्या हुई बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में ये जो बना रखे हैं हमने टेबल, इसको स्थानीय मान श्रेणी बोलते हैं। वन टेंथ हंड्रेड तो डेसिमल के लेफ्ट की तरफ आएगा, राइट की तरफ टेंथ हंड्रेड थाउजेंड ये आएगा, ठीक है। और यहां पे लिख लेंगे पहले हम K
क्या था यहाँ पे, हंड्रेड, ठीक है, ये हो यानी हिंदी में सौ इसको बोल सकते हैं, सैकड़ा। फिर हो जाता है टेंथ यानी दहाई, ठीक है, ये हंड्रेड्स हो गया, टेंस हो गया, और ये वंस हो गया इकाई। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या आएगा, टेंथ यानी दशांश, फिर हंड्रेड्स, और फिर थाउजेंड। हंड्रेड यानी शतांश, थाउजेंड यानी हजारवां, ठीक है। तो इनके नीचे आपको क्या लिखने हैं, वैल्यूज लिखनी है। आप फटाफट लिख देंगे जो डेसिमल नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको। अब देखिए, अगर पार्ट ए की बात करें तो यहां पे डेसिमल से पहले क्या है, जीरो है, यानी इकाई के स्थान पे जीरो है आपके पास। लेकिन दशमलव के राइट साइड देखेंगे तो क्या दिखेगा, टेंथ प्लेस पे टू है और हंड्रेड प्लेस पे नाइन है, बाकी सब जगह जीरो लिख देंगे आप, कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे, है ना। इस तरह से भाई आप लिख सकते हैं सारे प्लेस वैल्यू सभी नंबर्स का। नोट डाउन करो इसको और बाकी के पार्ट सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, अगला कर लेते हैं। देखिए उससे पहले यहां पे एक और चीज लिखी थी, है ना, हंड्रेड टेंस में टेन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें वन से, ये हो जाता है वन बाय टेन, ये हो जाता है वन बाय हंड्रेड, और ये वन बाय थाउजेंड, ठीक है। अब देखिए पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्या है, वंस की प्लेस पे देखिए, वंस कहाँ होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में टू आ जाता है, तो वंस की प्लेस पे आपका टू आया है। फिर टेंस पे जीरो है और हंड्रेड पे जीरो है क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो लगा देंगे। दशमलव के राइट में होता है वो होता है टेंथ, जो कि जीरो है और हंड्रेड है एट, थाउजेंड में कुछ नहीं है तो फिर जीरो लगा देंगे। इस तरह से कर सकते हैं इसको। फिर करते हैं हम पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, वंस जो कि एट है, फिर फोर एंड वन, और टेंथ पे क्या हो जाएगा, थ्री, हंड्रेड पे टू, और ये जीरो। क्लियर है? उसके बाद करेंगे हम डी। पार्ट डी में देखिए वंस प्लेस पे जीरो है, हंड्रेड टेंथ पे जीरो है, ठीक है, वंस पे जीरो हो गया, टेंथ पे जीरो हो गया, और हंड्रेड पे टू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये टेंथ का देखेंगे तो आठ है, हंड्रेड का एक है, और थाउजेंड का दो है। इस तरह से लिखनी है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, यहां पे जो दिख रहा है उनको डेसिमल्स में लिखना है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कैसे, देखिए सिंपली ऐड करना है सॉल्व करके और कुछ नहीं करना। पार्ट ए देखेंगे, पार्ट ए में आपका क्या है, 20 प्लस 9 प्लस 4 बटे 10 प्लस 1 बटे 100, ठीक है। इसी तरह से हम कर रहे थे उसको क्वेश्चन नंबर टू में। तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस 9 29 हो जाएगा,
प्लस ये कितना है 4/10, डिनोमिनेटर में एक जीरो है, यानी हम क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर पे एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट की तरफ डेसिमल लगा देंगे, और यहां पे डिनोमिनेटर में दो जीरो है, दैट मीन्स 0.01 आ जाएगा। अब इनको ऐड करिए, 29 प्लस 0.4 प्लस 0.01 कितना आ जाएगा 0.41, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29.41। ठीक है, कैसे आया हो सकता है बच्चों को इसमें भी डाउट हो, तो देखिए एडिशन ऑफ डेसिमल आप सीख चुके हैं, ये तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए अगर दशमलव नंबर है 0.4 है तो हमेशा ध्यान रखिए दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, बाकी डिजिट्स चाहे बाद में लिख लें आप। ठीक है, और यहाँ पे 29 है तो ये आप दशमलव के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इकाई के स्थान पे इकाई, दहाई के स्थान पे दहाई। आप इस तरह देख सकते हैं, ये वंस है, ये टेंथ है, ये टेंथ है ना, और ये हंड्रेड है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए कि बाकी जगह अगर कुछ नहीं है तो जीरो जीरो लगा देंगे हम, यहाँ पे हर जगह जीरो लगा देंगे। ये वन आ गया, ये फोर आ गया, ये नाइन आ गया, ये टू आ गया, 29.41 है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी देखिए सेकेंड पार्ट कैसे करना है, प्लस 5/100 है तो डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05। अब 137 में 0.05 जोड़ देंगे तो देखिए 137 में ये जीरो जुड़ेगा तो 137 ही रहेगा, दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो ये 05 एज इट इज आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट सी की बात करें तो सारे क्या हैं आपके डेसिमल के राइट साइड में ये दिख रहे हैं, ये टेंथ प्लेस हो गया, ये हंड्रेड हो गया, ये थाउजेंड हो गया, है ना। तो सब क्या है डेसिमल के राइट साइड में आएंगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.7 प्लस 0.06 प्लस 0.004, सबको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.764। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट डाउन करेंगे, और बाकी के जो दो पार्ट आप देख पा रहे हैं इनको होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर डेसिमल से। उम्मीद करता हूँ रिवाइज करने में काफी मजा आ रहा होगा आपको, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।